फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो असं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करांगे जी, जिहड़े कि SST दे मास्टर कैडर एग्जाम विच पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होणगे, इन्हां तुसीं जरूर कर लिओ ते मेरे चैनल भी सबसक्राइब जरूर कर दिओ जेकर सबसक्राइब नहीं किया है। तो आप स्टार्ट करते हाँ जी। पहला जो क्वेश्चन है वह है, राष्ट्रीय ग्रामीण रुजगार गरंटी योजना किस व्यक्ति के नाते है? तो जी राष्ट्रीय ग्रामीण रुजगार गरंटी योजना है जी, किस व्यक्ति के नाते है? तो ए ऑप्शन है जी राजीव गांधी, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रुजगार गरंटी योजना किस व्यक्ति के नाते है जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, महात्मा गांधी के नाते। ठीक है जी, राष्ट्रीय ग्रामीण रुजगार गरंटी योजना महात्मा गांधी के नाते बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नायक समिति का संबंध निम्नलिखित विचों किस नाल है? तो नायक समिति जी है जी, उसका संबंध किस नाल है? तो ए ऑप्शन है जी कुटीर उद्योगों, बी ऑप्शन है लघु उद्योगों, सी ऑप्शन है भारी उद्योगों, डी ऑप्शन है यह सारे ही। तो नायक समिति जी है जी, उसका संबंध निम्नलिखित विचों किस नाल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जी वह होगा बी ऑप्शन, लघु उद्योगों। ठीक है जी, नायक समिति जी है जी, उसका संबंध लघु उद्योगों नाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बैंक नोट प्रेस निम्नलिखित विचों कित्थे स्थित है? तो जी बैंक नोट प्रेस है जी, ये कित्थे स्थित है? तो ए ऑप्शन है जी नागपुर, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है देवास, डी ऑप्शन है इन्हां विचों कोई नहीं। तो बैंक नोट प्रेस जी है जी, वह कित्थे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, देवास। ठीक है जी, बैंक नोट प्रेस जी है जी, वह देवास विखे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत विच तेल अते कुदरती गैस निगम का मुख दफ्तर कित्थे स्थित है? तो भारत में जो तेल और कुदरती गैस निगम का जो दफ्तर है जी, मुख्य दफ्तर वो कित्थे स्थित है? तो ए ऑप्शन है जी हीरापुर, बी ऑप्शन है गुवाहाटी, सी ऑप्शन है देहरादून, डी ऑप्शन है मुंबई। तो कित्थे स्थित है जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, देहरादून विच। ठीक है जी, भारत में तेल और कुदरती गैस निगम का जो मुख्य दफ्तर है जी, वह देहरादून विखे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत में सब तो ज़्यादा संपत्ति वाला राज निम्नलिखित विचों केड़ा है? तो भारत में सब तो ज़्यादा संपत्ति वाला जो स्टेट है जी, राज है, केड़ा है इन्हां विचों? तो ए ऑप्शन है जी तमिलनाडु, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो केड़ा है जी सब तो ज़्यादा संपत्ति वाला राज? तो इसका जो राइट आंसर होगा जी वह होगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। ठीक है जी, भारत में सब तो ज़्यादा संपत्ति वाला जो राज है जी, वह महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अर्थव्यवस्था की अजिही स्थिति जिस विच मुद्रा स्फीति के नाल नाल मंदी की स्थिति होंदी है की कहाउंदी है? तो अर्थव्यवस्था भी जदों यह जी स्थिति आ जाए जी, जिस विच मुद्रा स्फीति भी होंदी है ते नाल मंदी की स्थिति भी होंदी है, तो वह की कहाउंदी है जी? तो ए ऑप्शन है इनफ्लेशन, बी ऑप्शन है रिफ्लेशन, सी ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन, डी ऑप्शन है इन्हां विचों कोई नहीं। तो उस स्थिति नूं की कहिंदे ने जी? तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, स्टैगफ्लेशन। ठीक है जी, स्टैगफ्लेशन वह स्थिति होंदी है जिस विच मुद्रा स्फीति नाल नाल मंदी की स्थिति भी होंदी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित विचों कदों हुई सी? तो जो मानवाधिकार आयोग है जी, मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कदों हुई सी? तो ए ऑप्शन है जी 1993, बी ऑप्शन है 1994, सी ऑप्शन है 1995, डी ऑप्शन है 2005। तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना कदों हुई सी जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, 1993। ठीक है जी, मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 हुई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
मध्य प्रदेश में नेपा नगर निम्नलिखित विचों किस चीज़ लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश जो नेपा नगर है जी, यह किस चीज़ लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन है जी कपड़ा उद्योग, बी ऑप्शन है वनस्पति उद्योग, सी ऑप्शन है हौजरी उद्योग, डी ऑप्शन है अखबारी कागज़। तो जो मध्य प्रदेश में नेपा नगर है जी, वह कि चीज़ लिए प्रसिद्ध है सब तो ज़्यादा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, अखबारी कागज़ लई। ठीक है जी, मध्य प्रदेश नेपा नगर अखबारी कागज़ लई प्रसिद्ध है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कुल कर आमदन में सब तो ज़्यादा योगदान किसका होता है? तो भारत सरकार की जी कुल कर आमदन होती है जी, उस विच सब तो ज़्यादा जड़ा योगदान है जी वह किसका होता है? इन्होंने तो ए ऑप्शन है जी आमदन कर का, बी ऑप्शन है संपत्ति कर का, सी ऑप्शन है केंद्रीय आबकारी कर का, डी ऑप्शन है प्रशुल्क कर का। तो भारत सरकार जी कुल कर आमदन होती है जी, उस विच सब तो ज़्यादा योगदान किसका होता है? तो इस जरा राइट आंसर होगा वह होगा जी सी ऑप्शन, केंद्रीय आबकारी कर का। ठीक है जी, भारत सरकार की कुल कर आमदन सब तो ज़्यादा योगदान केंद्रीय आबकारी कर का होता है। ठीक है जी, तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, केंद्रीय आबकारी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जिहड़ी वस्तुआं दुर्लभ होण अते उन्हां दी आपूर्ति सीमित होवे तां उन्हां नूं की कहा जाता है? तो जिहड़ी वस्तुआं जो दुर्लभ हुंदियां ने जी, बहुत मुश्किल मिलदियां ने, अते उन्हां दी जिहड़ी आपूर्ति है सीमित होवे ते उन्हां नूं फिर की कहा जाता है जी उन्हां नूं? तो ए ऑप्शन है जी आर्थिक वस्तुआं, बी ऑप्शन है महंगी वस्तुआं, सी ऑप्शन है विकास वस्तुआं, डी ऑप्शन है यह सारे ही। तो उन्होंने वस्तुओं को की कहा जाता है जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन आर्थिक वस्तुआं। ठीक है जी, इन्हों आर्थिक वस्तुआं कहा जाता है, जड़ी वस्तुआं दुर्लभ होंदिया ने उन्हों की आपूर्ति सीमित होंगी है उन्होंने आर्थिक वस्तुआं कहा जाता है। ठीक है जी, तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आर्थिक वस्तुआं। तो फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन से जी इकनोमिक्स के क्वेश्चन से जो कि SST के मास्टर कैंडिडेट एग्जाम आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने जी, इन्हें तुम जरूर करो, तो मेरे चैनल में भी सबसक्राइब जरूर कर दियो, तो बैल आइकन भी प्रेस कर दियो ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुम्हें रेगुलर मिलता रहे। ठीक है जी, इस अलावा जो कोई क्वेश्चन होवे, कोई क्वेरी होवे, तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई करने की कोशिश करा। ठीक है जी, तो आप मिलते हैं नैक्सट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाल, उद तक लई थैंक यू।